ये जो अभिमन्यु बिठाया है यहाँ, वो कहता है कि मैं आपको जानता ही नहीं, तो आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं है, तो मैं क्या करूँ बताइए। तो आप तो काफी सीनियर हैं, आपको तो यहाँ बच्चा बच्चा जानता है। वो कहता मैं जानता ही नहीं तेरे को। तो आप किसी काम से आए थे? जी मैं किसी काम से आया था। कौन है अंदर, क्या बात हुई है सर? ये जो अभिमन्यु बिठाया है यहाँ, वो कहता है कि मैं आपको जानता ही नहीं, आप कार्यकर्ता हो या नहीं हो। तो आप तो CWC के चेयरमैन हैं, पार्टी ने ही बना रखा है आपको। कहता है आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं है, मेरी कल की रिपोर्ट ठीक नहीं है, बताया जाए मेरे को मेरी कल की। माल खाने को ये लोग बैठ गए हैं, डंडे खाने को हम लोग हैं रीच, माल खाने को बांदरी और डंडे खाने को रीच जी। सीएम साहब तक कुछ पहुंचाना चाहेंगे अपनी बात? मेरी प्रार्थना है कि वो ठीक से इस बात को देखें कि ये क्या हो रहा है। क्या अंदर वो शिकायतें सुन रहे हैं? हाँ जी, ये लोग ऐसे मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं, मैं क्या करूँ। तो कब तक बैठे रहेंगे आप यहाँ? जब तक ये बैठा है यहाँ, इसको काले झंडे दिखा रहा हूँ मैं। तो कोई पार्टी के जिला प्रधान या किसी का फोन आया हो आपको? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया जी। क्या मांग थी आपकी, क्या बात, क्या लेकर आए थे आप अपनी यहाँ पर? किसी महिला की ट्रांसफर हुई है, उस ट्रांसफर को लेकर आया था कि 3 महीने हो गए हैं उस बेचारी को अपने ट्रांसफर के लिए धक्का खाते हुए, आप लोग उसकी ट्रांसफर वापस करवा लो। लेकिन ये तरीका हमारे साथ गलत हुआ है या नहीं हुआ है? किस तरह से आपसे बात की उन्होंने? बिल्कुल मेरे से बड़े रूडली बिहेव किया है। दूसरे लोग भी थे अंदर? बिल्कुल सारे लोग थे जी अंदर। इनको ये नहीं पता है कि जब तक सत्ता रहती है तब तक कोई बोलता नहीं है। मैं सत्ता में भी देख चुका हूँ, सत्ता के बाद भी देख चुका हूँ। कार्यकर्ता के लिए लड़ता हूँ, आज तक कार्यकर्ता के लिए लड़ता आया हूँ, अब भी कार्यकर्ता के लिए लड़ रहा हूँ। वो हमारी भाजपा की कार्यकर्ता है, वोट मांगने हमने जाना है या इन्होंने जाना है? तो मुंह पर पट्टी लगाकर बैठे रहेंगे सर? क्या करूंगी? आप हमारे बड़े भाई तो हमारे आपस में देख सकते हैं। मैम क्या बात हुई थी अंदर, कह रहे हैं कि इनसे पहली बार भी अगला कहते कई बार मिला हुआ है, फिर वही बात करता है कि मैं जानता नहीं आपको। ऐसा कुछ भी कहा, आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं है। हाँ मुझे कहता है तेरी रिपोर्ट ठीक नहीं है। क्या रिपोर्ट ठीक नहीं है मेरी, पर मैं क्या रिपोर्ट ठीक करवाऊंगा इनसे? तो कभी कोई आप पे करप्शन के कोई चार्ज लगे हैं, किसी चीज के चार्ज लगे हैं? नहीं, मेरे ऊपर आज तक कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। आप खुद जानते हैं हर बार मेरी रिपोर्ट जाती है DC साहब के माध्यम से। दूसरी बार शायद आप चेयरमैन बने हैं? चेयरमैन तो पहली बार ही बना हूँ। कितने साल हो गए आपको? 4 साल हो गए हैं। और आपके पास अभी भी पद है वो? जी जी। आज हम आपका देखने भाई चल बड़े भाई, उसको पता नहीं है कि मैं कार्यकर्ता हूँ या नहीं हूँ। कैसी बात करते हो मेरे से, ऐसी बात कर रहे हो तो आम जनता से कैसी बात करता होगा? क्या CM साहब ने भेजा है उन्हें शिकायतें सुनने के लिए? जी बिल्कुल। कितनी बार वो यहाँ पर आ चुके हैं? मुझे नहीं पता कितनी बार आ चुके हैं, मैं तो आज पहली बार आया था जी। तो CM का जो प्रतिनिधि होना चाहिए उससे अच्छे तरीके से सबसे बात करनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए जी। मैं तो संजय पटला जी से बात हुई मेरी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैं आपकी बात कराता हूँ। जबरदस्ती उठाना है उठा दो, कोई बात नहीं, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, बड़ा भाई हमारा। साहब आप चलते के पड़े हो आपका, फिर आप जबरदस्ती कर रहे हो।
आपका काम इधर से दिखाने के लिए बैठा हूँ। आपका रिपोर्ट ठीक नहीं है मेरी, रिपोर्ट ठीक नहीं है मेरी। काम कर रही है, मैंने ये कहा था बहन जी का काम मैंने मंत्री के सामने भाई साहब उमेश जी को मना लिया गया। आप देख सकते हैं उमेश जी को मना लिया गया। नहीं आपने कैसे बात की मेरे साथ? मैंने ये कहा था कि बहन जी का काम हो जाए, मैंने मंत्री जी से बात की। मैं आपसे नहीं बात करूंगा, मैं उससे बात करूंगा। ये क्या तरीका है? मैंने ये कहा था उनको, बस मंत्री जी से बात दो बार की। अभिमन्यु जी क्या बात हुई थी सर? क्या कुछ बात हुई थी? बात ही नहीं हुई। सर परिवार का मामला था, निपट गया सर, हो गया। कोई बात ही नहीं।